नशे के विरुद्ध अभियान में पुलिस ने की कार्यवाही। सब इंस्पेक्टर जियाराम, टीम सिपाही जगमोहन, मुकेश कुमार, हीरालाल मीना ने की कार्यवाही। आरोपी सुनील कुमार कापड़िया 19 वर्षीय को 9 ग्राम समेत चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 821 में मुकदमा दर्ज किया गया। अनूपगढ़ थाना अधिकारी विजय सिंह को जाँच के लिए किया सुपुर्द। सर्वेश कॉलेज के पास बीकानेर रोड पर देने जा रहा था सप्लाई। चक 1 GD का मामला है। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला गंगानगर, उप पुलिस अधीक्षक CO साहब रामेश्वर लाल जी अनूपगढ़ व श्री हमारे SHO साहब विजेंद्र जी शीला के द्वारा निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में मन SI को आदेश मिले कि स्पेशल एवं लोकल एक्ट की कार्रवाई की जाए, जिसमें नशाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस निर्देशानुसार मैं व मेरे साथ मेरे सहयोगी हीरालाल कांस्टेबल, जगमोहन कांस्टेबल व मुकेश जी बराला कांस्टेबल प्राइवेट साधन से हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन किट वगैरह लेके गश्त के लिए रवाना हुए। दौरान गश्त हमें सूचना मिली कि ये है अपने सर्वेश कॉलेज और पंप के बीच में कोई व्यक्ति चिट्टा सप्लाई करने के लिए आ रहा है। गश्त करता हुआ मैं अपने साथियों के प्राइवेट साधन से मौका पे पहुंचा, तो वहाँ एक लड़का पैदल मुताबिक मुफीर के हुलिया के पैदल आ रहा था, जिसके जींस पैंट पहन रखी थी ब्लू कलर की व अन्य उसके सलेक्टी कलर की सी वो पहन रखी थी टी शर्ट फुल बाजू। वो आ रहा था, उसको रोक के चेक किया, उसने भागने का प्रयास किया। रोक के चेक करने के बाद के अंदर उसकी जेब देखी तो जेब में उसके सफ़ेद चिट्टा मिला जो पॉलीथीन की पारदर्शी थैली में डाला हुआ था, जिसको कब्जा में किया। कब्जा में किया के बाद अनुसंधान उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र सरवन कुमार, ये होता है ना सुनील कुमार पुत्र सरवन कुमार, जाति कापड़िया, उम्र 19 वर्ष, निवासी 1 GD ये बताया, जिसको दस्तयाब किया जाकर गिरफ्तार किया गया और उससे 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसके संबंध में नशाखोरों के खिलाफ आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और हर संभव प्रयास ये करेंगे कि चिट्टा, डोडा पोस्ट, अन्य नस्ली गोलियां वगैरह जो विक्रय कर रहे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।